जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस आयोजित होता है और इस अवसर पर इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, और यहां पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री वित्त विभाग, ये शिक्षा विभाग के मंत्री भी पहले थे, और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, और यहां पर इस कार्यक्रम में देख रहे हैं कि एमएलसी साहब संजय गांधी जी भी देख रहे हैं और एमएलसी श्रीमती कुमुद वर्मा जी भी हैं, और यहां उपस्थित हैं बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री केसी सिन्हा जी, शिक्षा विभाग एवं राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सचिव श्री असंगवा चुबा पाबो जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री मनोज कुमार जी, उच्च शिक्षा के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रेखी कुमारी जी, बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक श्री संजय आर जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री रवि प्रकाश जी, शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री संतीश चंद्र झा जी, यहां पर जिनकी बात आप सुन रहे थे प्रसिद्ध पत्रकार जनाब दारेन साहिदी साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, और यहां पर उपस्थित छात्र छात्राएं, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाई, आप सबको मालूम है कि आज शिक्षा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत 2007 में कर दी थी, कहीं नहीं था पहले, और बिहार में ही हम लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को ही ये करने का हम लोगों ने फैसला किया 2007 में, और 2007 से ही इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी। और जब हम लोगों ने यहां शिक्षा दिवस की शुरुआत राज्य में की तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि भाई आप भी इसके बारे में, और उस समय थे जो तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह, तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि भाई हम लोग तो यहां कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की याद में शिक्षा दिवस बनना चाहिए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और आपको मालूम है कि 2008 से पूरे देश में उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है, और शिक्षा दिवस अब जितनी उनकी भूमिका थी उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया कि भूमिका थी उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया लेकिन आप जान लीजिए कि उनकी जो भी भूमिका थी आजादी की लड़ाई में, और वो तो जो उस समय पार्टी थी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं आजादी के दौरान भी,
तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण था, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और समाज में वो एकता की बात करते थे, भले ही मुस्लिम समुदाय के हों और उर्दू के विशेषज्ञ हों, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी जो उनकी बातचीत थी और जो भी आजादी की लड़ाई में, तो उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी। सबको वो समझाते थे कि भाई जो भी पढ़ना है, उर्दू को जानना है उर्दू जानो, हिंदी को भी जानो, तो ये सब चीजों के बारे में और जो क्षेत्रीय भाषा है उसको जानिए, ये सब को बताते थे, कहते थे। और उसके अलावे देश में एकता रहे, आजादी की लड़ाई तो लड़ी जाती थी और आप जानते हैं वो तो खिलाफ थे, लेकिन जो दो हिस्से में बंटने लगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो खिलाफ और कितना ज्यादा विवाद शुरू हो गया। बापू कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी माहौल पैदा हो रहा था, अब आपको तो मालूम ही है कि जिस तरह से उन्होंने रक्षा करना शुरू किया था कि भाई मुस्लिम हिंदू का झगड़ा नहीं हो, और उसके बाद तो उनकी हत्या ही कर दी गई थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को कहा था कि देखो ये देश अपना है, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत जाओ, यहीं रहो। और लोगों ने माना था और बहुत जल्दी मामला समाप्त हो गया था। और उसके बाद जब सरकार बनी तो उनको शिक्षा का काम दिया गया, और शिक्षा के लिए कितना विकसित किया उन्होंने, क्या क्या इंस्टीट्यूट बनवाया उन्होंने, IIT से लेकर के कौन कौन सा नए नए संस्थानों की स्थापना कराई शिक्षा के क्षेत्र में। आप जानते हैं इस देश में जो शिक्षा का काम हुआ है, ये सब उसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो आप समझ लीजिए देश को एकजुट करने में उनकी भूमिका, शिक्षा को आगे बढ़ाने की भूमिका, समाज में किसी भी तरह का कोई आपस में झंझट न हो, इसके लिए सब काम करते रहे। लेकिन इतना दिन बीत गया साहब, और क्यों नहीं लोग सोचा था कि जब इतनी बड़ी भूमिका है और देश की आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका थी अबुल कलाम आजाद साहब का, तो उनके उनके भी जन्मदिवस के अवसर पर होना चाहिए था। तो इसीलिए और ये मांग होती रहती थी, लेकिन जब हम लोगों को यहां काम करने का मौका मिला तो उसी समय किया। और बड़ी खुशी की बात है कि 2008 से ही पूरे देश में भी होने लगा, और इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में, अब आपको मालूम ही है ना कि हम लोग तो इनका इनके नाम पर शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 में ही जो शुरू किया, तो हम लोग जब 5 में मौका मिला तो आप सोच न लीजिए कि 6 से पढ़ाई को कितना बढ़ाने के लिए, किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करा करके हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और नए नए संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब काम करवाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और आपको मालूम है कि जो हम लोगों ने शिक्षा का दौर था तो उसमें पता किया कि भाई कोई स्कूल जाता ही नहीं है, और खैर 5वां क्लास के बाद तो कोई आगे नहीं जाता था, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी। अब यहां पर देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी, और इसीलिए हमने तो शुरू किया कि लड़की जो आगे पढ़ेगी उसको और आगे बढ़ाना है, और उसी के लिए और उसके घर के लोगों के पास उसको कपड़ा पहनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो हम लोगों ने शुरू किया कि उसके लिए कपड़ा का इंतजाम करेंगे, वस्त्र का करेंगे। और बाद में तो फिर आप सबको मालूम है कि सब तरह से, और हमको लगा कि 8वें तक नहीं बल्कि इसके 8वें के बाद पहुंचे, और साइकिल का शुरुआत कराया, और जो जो काम किया गया उससे लड़कियों को कितनी खुशी हुई
और कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ने लगी। अब मैट्रिक की परीक्षा होती है तब लड़का लड़की बराबर, और यहां पर का कार्यक्रम देख रहे हैं यहां भी लड़का लड़की बराबर, कुछ लड़की ही ज्यादा, तब ये खुशी की बात है। तो हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत की, और तब जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जो काम किया था तो हमको लगा कि उसी को आगे और बढ़ाना है। और कौन कौन काम, अब मालूम है आपको ना, जब अब उसी समय हम अध्ययन कराए कि भाई शुरू में भी कौन नहीं पढ़ता, हम तो पांचवा के बाद का बात आपको कह दिए, लेकिन पांचवा क्लास तक भी नहीं कोई पढ़ने जाता है, पढ़ने जाती है, क्या हिसाब किताब है। तो हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि 12.5% बच्चे और बच्चियां कहीं नहीं जाते। हमने कहा कमाल है। और फिर उसके बारे में हमने अध्ययन कराया कि कौन लोग हैं जो नहीं जाते हैं, तो एक तरफ पता चला कि चाहे वो आप समझ लीजिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या महादलित हैं, वैसे ही लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने उनके लिए अलग इंतजाम करवाया, हर तरह से व्यवस्था करवा दिया। और उसके बाद सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हम लोगों ने सब कुछ कराया, शुरू कराया। तो इस तरह से एक एक काम जो शुरू करा दिया, लोग आगे तक नहीं पढ़े थे तो उनको कुछ पढ़ा उड़ा करके फिर आगे के क्लास में एडमिट कराया, और उसके बाद तो अब सिलसिला जारी हो गया है, अब उसकी नौबत नहीं है। अभी हाल ही में हमने पता कराया है कि अब कितना बचा है, तब आधा से भी कम बच गया है, 0.5% से भी कम अब है बच्चे बच्चियां। लेकिन हमारी कोशिश है कि एक भी बच्चा बच्ची बचे नहीं, सब के सब पढ़ने के लिए जाए और आगे पढ़े, और ठीक से पढ़ाई हुई और शिक्षकों की बहाली की गई। अब शिक्षक का तो हम पढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए, और ज्यादा जितने भी स्कूल और बनाने हैं, अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। तब तो जो कुछ भी किया, और एक और सर्वे हमने कराया, 12/11/12 में हमको पता चला कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज है कि साहब जो हम लोगों के यहां प्रजनन दर बढ़ा हुआ है, आबादी कितनी बढ़ी हुई थी, देश में कहीं इतनी आबादी नहीं जितनी आबादी बढ़ती थी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उस समय था एक ही परिवार का, पति पत्नी का, और एवरेज पूरे बिहार में मिलाकर के 4.3 था। अब उसके बाद उसका अध्ययन हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी अगर लड़की महिला मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर, जो पत्नी मैट्रिक पास है उसका भी 2, और उसके अलावे 12वीं कक्षा तक भी, इंटर तक का भी पढ़े हुए हैं, तो देश भर का था प्रजनन दर 1.7, और बिहार का था कि अगर महिला इंटर पास है और तब उसका प्रजनन दर मिला 1.6। कितनी खुशी हुई कि अब प्रजनन दर कम करने के लिए हम सब लड़की को इंटर तक पढ़ाएंगे, तभी जाकर के देश का ही हाल। अब उसके इंटर तक पढ़ाने के लिए और लड़कियों की सुविधा के लिए कितना इंतजाम करवाए हैं, आपको पता ही न है कि हम तो सब कुछ करते ही रहते हैं। अब एक बार तो हमने शुरू किया था 18 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म से लेकर के स्नातक शिक्षा तक पढ़े, उसके लिए हमने इंतजाम किया था कि हर लड़की को 54,100 रुपया दिया जाएगा। अब बाद में उसको बढ़ा करके हमने कर दिया है, अब 94,100 रुपया हो गया है कि पूरा का पूरा खूब पढ़े, आगे बढ़े। तो इस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं, अब यही सब की बात है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है, और पूरा का पूरा हर तरह से जो बात हुआ है तो आप समझ लीजिए कि जो हमने आपको बताया था
कि जो कुछ भी इसकी स्थिति आई और जो प्रजनन दर की बात हमने कही, जो उस समय 4.3 था, अब घटते घटते प्रजनन दर पहुंच गया है बिहार में 2.9 पर। और इसीलिए हम चाहते हैं कि खूब लड़कियां पढ़े, और जब लड़कियां पूरा पढ़ लेगी तब जाकर के प्रजनन दर 2 से भी नीचे जाएगा बिहार का, और तब कोई इस तरह से ज्यादा नहीं होगा। तो हम बच्चे रहेंगे खूब बढ़िया से आगे बढ़ेंगे, उसकी भी तरक्की होगी, सब पढ़ेगा और खूब आगे बढ़ेगा। हम तो एक पिछड़ा राज्य, अब एक अलग बात है, लेकिन जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आज, जितना ज्यादा पढ़ाई से लेकर के एक काम, सब तरह का काम किया, गांव गांव तक हर तरह से सड़क पहुंचाने का काम, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक पेयजल, एक एक चीज का काम, शौचालय का निर्माण सब हम लोग करवाए, और भी जो बचा है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे समाज का विकास हो, और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ें। और यहां पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए, आप लोगों का तनख्वाह भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आजकल तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है, आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज करा दिए हैं, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़वे न किए हैं जी, और तभी तक न यहां पर आए हैं है? अब आप बताइए, अब खाली मोबाइले पर सब चीज जानेगा, यही 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। अरे मोबाइल देखो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में बातचीत करना, पढ़ना लिखना यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं, और हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है, हम तो मोबाइल छोड़ दिए, हम छोड़ दिए, हम कहे भाई जब तक लोग खाली इसी पर खाली काम करिएगा, फिर इसके अलावे भी और चीज होना चाहिए, जो बढ़ा है नई टेक्नोलॉजी उसको पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी सीखिए जानिए, लेकिन मौलिक चीज को भी जानना जरूरी है, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज तो करना ही चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे, शिक्षक से, शिक्षिकाओं से, सबसे कहेंगे लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए, और जब पढ़ाइएगा बहुत अच्छा होगा, और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब कुछ है जी। अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को भी, और इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए, उनको छोड़िए नहीं, और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया से पढ़ा दें, ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज को देखना। अरे पढ़ाइएगा तभी ना, अब पहले कितनी बहाली थी, अब हम लोग कितने लोगों को शिक्षक और बहाल कर रहे हैं और आगे करेंगे, और कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी बढ़ाए, हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि जो भी हम लोगों का बजट होता है सरकार का, उसका सबसे बड़ा खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, ये मालूम है ना, कहिए कै परसेंट हो गया, 25% ना है? हाँ, तो हम तो चाहते हैं 25% तक करना, लेकिन ये कर 21 तक हो गया है, हम तो 25% तक कर देंगे, ताकि शिक्षा खूब हो, और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग करते हैं, तो ये सब चीज तो जरूरी है ना जी। और बुनियादी चीजों के बारे में जितना हो, तो जितनी भी बात है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग हो आपस में होना चाहिए, और अब आप देखते न हैं
पहले कहता था लड़की का अलग अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी, एक वो लड़की नहीं पढ़ती थी। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था, इतना कम कोई होता नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है ना, अब हमने तो कर दिया कि मिनिमम 1/3 लड़की का होना चाहिए, मिनिमम 1/3। तो सब तरह से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल सब चीजों में हम लोग करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और जब सब पढ़ेंगी तो कितना अच्छा होगा, और लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे और लड़की पढ़ी रहेगी, तेरे बाल बच्चा तो सबसे ज्यादा आप जानते ही है जो जन्म होता है बच्चा, तो जो बच्ची और उसका भरोसा किस पर रहता है, सबसे ज्यादा माँ पर रहता है भरोसा। इसलिए वो अगर पढ़ी रहेगी, खूब ज्ञानी रहेगी तो बच्चे और बच्चियों को कितना ज्यादा सीखेगा, वो सब कितना बढ़िया से सीख लेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा का विकास जो हम लोग करना चाहते हैं और जितना भी काम किया है। और एक एक चीज के बारे में अब जरा जान लीजिए। अब ये जो हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का किया, अब इसके पहले मालूम है ना, बापू का जब मनाए थे हम लोग 100 साल पहले आए थे यहाँ 1917 में, और उसी समय से हम लोगों ने 2017 में जो यहाँ मनाया था, और उसी समय जो तय किया था कि बच्चे और बच्चियों को बापू की पाती हम लोग पढ़वाएंगे। इधर देख लीजिए, ये बापू की पाती है, ये तीसरे से लेकर के आठवें तक के बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है, दिया गया है ताकि बापू के बारे में एक एक चीज को जानिए और सब चीज को समझिए कि क्या खासियत है। ये सब हम लोग उनके बारे में दिए हुए हैं। और उसी तरह से एक था मोहन, ये नौवें से लेकर के बारहवें तक के लिए हम लेते आए हैं किताबा, भूलिएगा मत, खाली आज के दिन आप लोगों को याद रखने के लिए पढ़िएगा जरूर, तब न जानिएगा बापू का। और सब लोगों को हम लोगों ने करा दिया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने इनका शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा था 18 में ही हमने कहा कि उनके नाम पर भी होना चाहिए, जैसे हम बापू के नाम पर करते हैं वैसे मौलाना आजाद के बारे में भी सबको जानना चाहिए, पढ़ेगा और एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा, सब कुछ को जानेगा। तो ये लोग 19 से ही इसकी भी शुरुआत हो गई। देख लीजिए मौलाना आजाद की कहानी, अब ये भी अब ध्यान रखिएगा। और हमने कहा कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, जब पहला बार होता है पाठ, तो उसी समय बताना और इनके बारे में भी बता देना, वहां एक एक चीज की बात की जरूरत है। सब कुछ को जानेगा तभी जानेगा, और तभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा अगर बापू के बारे में जानेगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में जानेगा, कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा। इसलिए हम इस सब चीज को चाहते हैं। तो आप लोग ये सब चीज को पढ़िएगा ना भाई, पूरा बुलंद रहिएगा ना, हाथ उठाकर चलो। बहुत बहुत धन्यवाद, इस काम को करिए। और हम तो जो कुछ भी करना है एक एक चीज को, आपको मालूम है ना भाई कि आखिरकार जब हम कहे थे तो उसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने हमारी बात मान ली थी, जब इनका भी हो गया उस समय मंत्री वही थे, मान लिए थे, और इनका भी 2008 में हुआ। और उनके बारे में एक बात बता देना आपको और जरूरी, कि साहब हमने कहा था कि बिहार में भी IIT बनना चाहिए, तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे, और मेरे कहने पर अब बिहार में भी IIT बना। अब 500 एकड़ जमीन दिए, सोच लीजिए IIT नहीं बनवाए, NIT तो बनवाइबे किए थे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उस समय तो हम केंद्र में मंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी को भी हमने कहा था और सब लोगों का उस समय जो कुछ भी था, और उस समय जो हम मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी, हम कभी भूल नहीं सकते हैं, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही न पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा,
देश बाकी देश में बना था कई जगह, विशेष तौर पर उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र में, स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया और एनआईटी भी बना पटना। तो हम लोग तो सब चीज कराते ही रहते हैं। अब आईआईटी वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे? भूलते जा रहा है, सब चीज भूलते जा रहा है। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उसमें डलवा दीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना। ये सब चीज को लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराना जो बापू के बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में जितनी बातें कही, उन सब चीजों को उसके माध्यम से भी, इनको तो पढ़वाना भी है लेकिन उसको भी नई टेक्नोलॉजी में डलवा दीजिए। नहीं तो आजकल दिल्ली में जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर अपना ही बात खाली रखवाना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा है, तो आजादी की पुरानी चीजों को भूल जाएंगे क्या लोग? तो इसलिए अपने यहां बिहार में भी आजादी के बारे में सब चीजवा भी उसी पर डलवाते रहिए, एक एक चीज को मालूम रहेगा, ताकि कोई भूलेगा नहीं। नहीं तो लोग जिनको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, अब बापू की हत्या किसने किया भूलिए उलिएगा मत। तब इस सब चीज के बाद भी सब लोग कुछ से युद्ध नहीं कर सके और समाज में आपस में झगड़ा न लगाए। हिंदू मुस्लिम सबकी एकता, समाज के हर तबके की एकता होनी चाहिए, कोई किसी भी जात का हो, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। और इसी के लिए नई पीढ़ी के लोगों को हर चीज को समझना चाहिए। और सब अधिकारी लोगों को और नेता लोगों को तो हम यही कहेंगे, इसी के लिए पूरा लगे रहिए, और ताकि इन सब चीजों में कोई कमी नहीं आवेगा, हम यही कहना चाहते हैं। और आज के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हैं, बहुत खुशी की बात है। और इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा, यही आग्रह है। और इन शब्दों के साथ मैं पुनः मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रति नमन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।